नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा अब प्रत्येक ब्लॉक में प्रधानों के साथ बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं जिससे इससे बचा जा सके। इसी क्रम में आज डुमरियागंज क्षेत्र के BRC के प्रधानों के साथ बैठक की गई, जहां सभी को आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। बैठक में विशेष तौर पर प्रधानों को बताया गया कि किसी न किसी माध्यम से प्रतिदिन बड़े शहरों में आजीविका चलाने वाले कुछ लोग गाँव में पहुँच रहे हैं। ऐसे लोगों को बिना सैनिटाइज व क्वारंटाइन किए गाँव में प्रवेश नहीं करने देना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम करते दिख रहे हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व से जन जन को अवगत कराना भी है। चूंकि जिले में अन्य शहरों से वापस गांव में लौट रहे लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, साथ ही ऐसे लोगों के संपर्क में आए लोगों को भी कोरोना पाया गया है। अभी तक सिद्धार्थनगर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया, इसलिए अब विशेष सावधानी की जरूरत है जिससे आगे भी कोई कोरोना से संक्रमित न हो। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी का कहना है कि गांव-गांव में प्रधान के सहयोग से प्रत्येक आने वाले व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा, जिससे किसी अन्य स्थान से कोई भी जिले में कोरोना संक्रमित आए तो वह इसका फैलाव न कर सके। पेशे सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। आज जो बैठक की गई, इसका पर्पज क्या था? नहीं, देखिए, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अभी 2-3 दिन में सभी ब्लॉक्स पे जाके सभी प्रधानों के साथ और वहाँ के सचिव और लेखपालों के साथ एक बैठक कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज भी हैं। कैसे कोरोना में क्या चीजें आगे करनी है, माइग्रेंट लेबर्स भी रोज थोड़े थोड़े आ जा रहे हैं, तो उनकी क्या व्यवस्थाएं करनी है, कैसे चीजों के बारे में बताया गया, जागरूक किया गया। सरकार की जो योजनाएं भी हैं गरीबों के लिए, चाहे वो 1,000 रुपये भत्ता देने से लेकर राशन कार्ड से लेकर मनरेगा के कामों से लेकर, उन सब चीजों के बारे में भी बताया गया। तो ये उसी संबंध में एक बैठक थी जिसमें अगर प्रधान भी जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं जिन्हें कोई समस्या भी है या कोई सुझाव या कुछ भी देना चाहते हैं तो उनको भी नोट किया गया और उसको आगे और बेहतर किया जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में सब जगह बैठक की जा रही है।